और आपको बताएं, एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉट करने से मुतालिक रेफरेंस पर नवाज शरीफ के पेश न होने पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। लाहौर की एहतसाब अदालत में गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉट करने से मुतालिक रेफरेंस पर समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से मौकिफ इख्तियार किया गया कि 1 अरब 73 करोड़ और 60 लाख की अराजी की अलॉटमेंट और एग्जेम्पशन में करप्शन की गई। 12 मार्च 2020 को शुरू होने वाली इंक्वायरी में नवाज शरीफ को मरकजी मुलजिम करार दिया गया है। नवाज शरीफ ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए बगैर किसी अवामी मफाद के अराजी अलॉट की। इनकी जानिब से प्लॉटों की अलॉटमेंट और एग्जेम्पशन कानून की सरी खिलाफवर्जी है। नवाज शरीफ ने बादशाही तर्ज हुक्मरानी से बतौर चेयरमैन एलडीए कानून की धज्जियां उड़ाई। नवाज शरीफ के इकदामात से सड़कें और गलियां तक मनपसंद अफराद को सौंप दी गईं। नवाज शरीफ ने मनपसंद फर्द को नवाजने में कोई कसर न छोड़ी। इख्तियारात का कसरत से गलत इस्तेमाल किया गया। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पेश न होने पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दूसरी जानब कराची की एहतसाब अदालत के रूबरू PSO में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक समात हुई। शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा, साबिक MD PSO शेख इमरान उल हक और चीफ फाइनेंस ऑफिसर याकूब सत्तार पेश हुए। अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर 4 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। कमरा अदालत में मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मुलजिमान के इनकार पर तफ्तीशी अफसर और गवाहों को नोटिस जारी करते हुए समात 7 अगस्त तक मुलतवी।